يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى فيك بسم الله الرحمن الرحيم सवाल, क्या काली चौदस की रात बहुत भारी होती है, उसमें आत्मा भटकती है और जादू होता है, इस रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए। एक मौलाना साहब ने बताया कि हदीस से भी उसकी ताईद होती है, जिसमें है कि साल में एक रात ऐसी आती है जिसमें आसमान से वबा उतरती है, लिहाजा उस रात में पढ़ने के कुछ वजीफे भी बताए थे, जो तो क्या ये बातें सही है? जवाब, इस्लाम में कोई रात या दिन मनहूस नहीं होता, लिहाजा ये अकीदा गलत और हिंदू कौम का अकीदा और वहम है। शरीयत में ऐसा अकीदा रखने की इजाज़त नहीं। रही बात इस हदीस की, जिसमें है कि साल में एक रात आती है जिसमें बीमारियां नाजिल होती है, लेकिन जो बर्तन ढके हुए होते हैं और जिन मशकीज़ों यानी पानी के गढ़ों का मुंह बंद होता है उसमें नहीं उतरती। रवाहु मुस्नद अहमद। इस रात से मुराद कौन सी रात है वो तयशुदा नहीं है, लिहाजा अपनी तरफ से काली चौदस को मुतय्यन कर देना सही नहीं। लिहाजा बला नाजिल होने का इम्कान हर रात में है, इसलिए बर्तन ढांपने का हुक्म है। इस हदीस में वबा से बचने का इलाज बर्तन ढांकना बता दिया है, लिहाजा उसके इलाज के तौर पर अपनी तरफ से वजीफे बताना भी सही नहीं है। जो चीज़ अक्ल के खिलाफ हदीस से साबित हो, उस पर अपनी अक्ल लगाकर दूसरी चीज़ को साबित नहीं कर सकते, लिहाजा इस रात में कोई खास वजीफा पढ़ना भी सही नहीं। जो वजीफा दुआ या हदीस से साबित है वो इस रात में बल्कि हर रात में पढ़ना चाहिए। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।